शास्त्र में वर्णन है ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ है मथुरा, उसमें सबसे श्रेष्ठ है वृंदावन, उसमें सबसे श्रेष्ठ है गोवर्धन। तो एक बार इस पूरे ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ शक्ति जो कि श्रीमती राधा रानी, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान यानी भगवान श्री कृष्ण, सर्वश्रेष्ठ धाम यानी गोलोक वृंदावन धाम, उधर श्रीमती राधा रानी ने भगवान को एक सर्वश्रेष्ठ रिक्वेस्ट किया। क्या रिक्वेस्ट किया? कि भगवान एक ऐसा स्थल बनाओ, लीला स्थल बनाओ जो कि सर्वश्रेष्ठ हो, उसकी तुलना में इस संसार में और कोई स्थल नहीं होना चाहिए, उसमें हमारी लीलाओं की सभी सामग्री होनी चाहिए, झरने होने चाहिए, पुष्प होने चाहिए, घास होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के कुंड होने चाहिए, गुफाएं होने चाहिए, फल होने चाहिए, सब कुछ वहां होना चाहिए। तो कृष्ण के हृदय से एक बीज उत्पन्न हुआ जो कि वृंदावन के धरातल पे गिरा और एक पर्वत के रूप में परिवर्तित होने पड़ा। उसका नाम पड़ा गिरिराज गोवर्धन। श्री गिरिराज गोवर्धन की। तो गोवर्धन और भगवान में कोई अंतर नहीं, कृष्ण को देखना और गोवर्धन को देखना समान है, कृष्ण को स्पर्श करना और गोवर्धन जी को स्पर्श करना समान। इस गोवर्धन की आप जितनी महिमा कल्पना कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा। कोई भी व्यक्ति गोवर्धन को परिक्रमा करे वापस इस भौतिक जगत में नहीं आता। कोई भी आप लाखों किलो सोना दान में दे दो, बहुत सारे यज्ञ दान तप कर लो, जो पुण्य मिलता है उससे कहीं ज्यादा पुण्य केवल गोवर्धन जी को देखने से मिल जाता है भौतिक स्तर पे। इसलिए गोवर्धन जी कृपा के सागर है और साक्षात कृष्ण वहां पर उपस्थित है, तो इसलिए और कृष्ण के हृदय से ये उत्पन्न हुए और राधा रानी की अत्यंत प्रिय है, इन्हें हरिदास वर्य कहा जाता है। हरे कृष्ण। परिक्रमा करने में 6-7 घंटे लग जाते हैं, हमारे 6-7 मिनट में हो जाएंगे तो, लेकिन अगर हृदय से करोगे तो वही फल मिलेगा। तो कृष्ण की कई सेवाएं रहती हैं, उसमें से एक सेवा होती है अपने भक्तों का, भक्तों को नम्र बना के रखना, क्योंकि अहंकार से पतन होता है। तो इंद्र पूरे संसार को जो वर्षा प्रदान करते थे और सभी 33 कोटि देवताओं के राजा हैं, देवराज जिनको कहा जाता, तो उनको यह अहंकार हो गया कि मैं सबको वर्षा देता हूँ, सब कुछ मेरे अधीन है, इसलिए मैं ही भगवान हूँ। हर एक व्यक्ति अपने अपने घर पे, अपने अपने ऑफिस में, अपने अपने क्षेत्र में भगवान होता है। तो इंद्र को लगने लगा, अरे पूरे पृथ्वी का मैं ही राजा हूँ, मैं ही भगवान। तो फिर कृष्ण समझ गए और उनको सबक सिखाने के लिए कृष्ण ये सुंदर गोवर्धन लीला किया। तो जैसे कहा है कि वृंदावन में कोई भी कृष्ण को भगवान नहीं मानता, लेकिन कृष्ण को अपने प्राणों से अधिक प्रेम करते। तो सदियों से चली आ रही इंद्र पूजा को कृष्ण ने नंद महाराज को कहा कि इंद्र की पूजा ये वर्ष बंद कर दो। तो सब लोग मान गए और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि पूजा बंद कर देंगे तो फिर आगे क्या करेंगे। कृष्ण ने कहा हम गिरिराज गोवर्धन को पूजा करेंगे। गिरिराज गोवर्धन जी हमें सभी प्रकार के पानी जल प्रदान करते हैं, अन्न प्रदान करते हैं, पुष्प और फल प्रदान करते हैं, तो फिर हम उनकी सेवा करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सारे ब्रजवासी लग गए गिरिराज जी की सेवा करने में और जितना भी धन था जो कि इंद्र की पूजा के लिए जा रहा था सब डाइवर्ट हो गया और फिर गिरिराज जी के लिए सुंदर पकवान बनने लगे, अलग अलग प्रकार के सब्जियां, चावल, दाल, मिठाई, फरसान, बहुत दिव्य, छोटा छोटा थाली में तो नहीं लगने लगा, सबका पहाड़ बनने लगा और सब ब्रजवासी सब सामग्री लाके गिरिराज जी के सामने रखने लगे और गिरिराज जी को अचानक दो हाथ प्रकट हो गए और वो सारा सामग्री खाने लगे। अब जब घर पे कोई गेस्ट आता है सब खाने लगता है तो हम क्या करते हैं, और बनाते हैं। तो सारे ब्रजवासी बना रहे गिरिराज जी खा रहे और अलग अलग कुंड है वहां से पानी पिए जा रहे हैं बिना स्ट्रॉ के डायरेक्ट और सब कुंड खाली हो रहे हैं। और फिर जब सब कुछ खत्म हो गया तो गिरिराज जी कहते हैं अनियोर, अनियोर मतलब गिव मी मोर, और चाहिए। तो फिर कृष्ण गए बोले देखो इतना ही है हमारे पास, हम लोग साधारण में इतना स्वीकार करो। और फिर उन्होंने सब स्वीकार कर लिया और फिर सब लोग प्रसन्न थे सिवाय एक व्यक्ति के,
कौन? इंद्र। ठीक है, और उसके पश्चात कृष्ण ने प्रथम बार क्या किया? गोवर्धन परिक्रमा प्रारंभ किया। तो फिर इंद्र ने क्या किया? अपनी सारी शक्तियों को लगाकर, इतना क्रोधित हो गए कि अपनी सारी शक्तियों को लगाकर वृंदावन को विनाश करने का प्रयास करने लगा। ठीक है, कृष्ण ने तो 33 कोटि देवताओं के जो स्वामी हैं, उन्होंने सारे शक्तियां लगाकर वो वृंदावन को विनाश करने का प्रयास करने लगे। ठीक है, तो आगे ठीक है, तो वृंदावन में जितने भी देवता हैं, तो इंद्र क्या है? सभी देवताओं के स्वामी। तो सारी शक्तियां लगाकर वो वृंदावन के एक वन में आक्रमण, वृंदावन पर आक्रमण किए, तो सभी जो ब्रजवासी थे कृष्ण के पास गए, बोले देखो आपके कहने पे ये किया था, अभी देखो क्या हो रहा है। कृष्ण गए, उन्होंने गोवर्धन को धारण किया, और गोवर्धन को कैसे धारण किया? अपने बाएं हाथ के कानी उंगली की चोटी पे। तो बहुत सुंदर ये लीला है। तो 33 कोटि देवता मिल के वो गोवर्धन पे आक्रमण कर रहे हैं, और कृष्ण गोवर्धन को उठाए हैं अपने, तो शरीर का कमजोर भाग बाया हाथ, उसका कमजोर भाग कानी उंगली, उसके टिप पे भगवान ने उठाया, ये बताने के लिए। तो सारे देवताओं ने प्रयास करके गोवर्धन को विनाश करना चाहा, लेकिन गोवर्धन का एक घास को भी कुछ नहीं कर पाए। तो कृष्ण बताते हैं कि ये 33 कोटि देवता एक साथ भी आ जाए तो भी मेरे कानी उंगली की चोटी के बराबर भी नहीं। और फिर जब सब कुछ हो गया, अभी कालिया जैसे इंद्र का भी हाल था, जब पूरा शक्ति खत्म हो गया तब समझे कि अरे ये तो भगवान है। फिर वो नम्र हो गए और फिर माफी मांगने के लिए जा रहे थे। पहले सोचा कि सीधा सीधा जाऊंगा तो पिटूंगा, तो पहले ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि छोटी सी गलती हो गई। ब्रह्मा जी बोले छोटी नहीं, बहुत बड़ी गलती हो, आप अकेले मत जाओ माफी मांगने के लिए, सीधा जाओगे तो बहुत पिटोगे। कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है, गायों की माता जो है सुरभि गाय, उनको सामने रखो और पीछे पीछे जाओ, तब आपको क्षमा प्रदान होगा। तो देखो ये 33 कोटि देवताओं के जो राजा है, गाय के पीछे जा रहे हैं कृष्ण से माफी मांगने के लिए। फिर कृष्ण ने उनको क्षमा किया और फिर सभी देवताओं ने कृष्ण का सुंदर अभिषेक किया, जिससे बना गोविंद कुंड। ठीक है, उसके बाद आगे जाएंगे, वहां पे अप्सरा कुंड और नवल कुंड भी है, और सभी गायों ने कृष्ण का अभिषेक किया, उससे बना सुरभि कुंड। और उसके पश्चात बहुत सारी लीलाएं, हम जस्ट दो कुंड के बारे में आज चर्चा करेंगे। एक बार कृष्ण ने एक राक्षस का वध किया जिसका नाम था वत्सासुर। ये बोले अरे कृष्ण, तुम्हारे हाथों तो एक गो गाय बछड़े का वध हुआ है, तुम गो हत्यारे हो, गंगा में जाके स्नान करना होगा। तो कृष्ण ने कभी ब्रजवासियों को ब्रज के बाहर जाने ही नहीं दिए। एक बार सब लोग बोले हमें चार धाम जाना है, तो कृष्ण ने चारों धाम को वृंदावन में लेके आ गए। सब बोले हमको गंगा जाना है, तो कृष्ण ने बोला गंगा क्यों जाना है, एक दिन रुक जाओ। फिर गंगा स्वयं उन्होंने अपने मन से प्रकट किया, उसका नाम पड़ा मानसी गंगा। ठीक है, और गंगा जी स्वयं आके बोलनी सर्टिफाई की कि मैं ही गंगा हूँ। और फिर सब लोग वहाँ पे की स्नान किया, और उसके पश्चात और एक सुंदर लीला है। कृष्ण ने एक राक्षस का वध किया जिसका नाम था अरिष्टासुर। तो अरिष्टासुर का वध करने के पश्चात ये बार गोपियों ने कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुम गो हत्यारे। तो बोले अरे गो हत्यारे राक्षस के रूप में था, भरे बैल के रूप में था, लेकिन राक्षस तो था, तो वो जो भी हो तुम गो हत्यारे हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तो बहुत बड़े पापी हो। तो कृष्ण ने बोला प्रायश्चित क्या है? तो राधा रानी और गोपियों ने कहा जाके संसार में जितने तीर्थ स्थल है सब में स्नान करके आओ। कृष्ण बोले मैं क्यों सब जगह जाऊं? सारे तीर्थों को आदेश दिया कि अरिष्टासुर के पैरों से बड़े बड़े उधर खड्डे बने हुए थे, उन्होंने कहा इस कुंड में प्रवेश करो, इस जगह पे प्रवेश करो, सारे तीर्थ उसमें प्रवेश किए, तो उससे बना श्याम कुंड। और फिर कृष्ण ने स्नान किया और राधा रानी देखो मैं तो पाप से मुक्त हो गया, लेकिन तुमने राक्षस के भागीदारी की, तुम्हें भी इसमें स्नान करना होगा। राधा रानी ने बोला हट, मैं अपना कुंड खुद बनाऊं। और सभी गोपियों ने अपने कंगन से एक कुंड बनाया, और फिर पानी कहाँ से लाए? मानसी गंगा से मटका भर भर के लाने लगे। ऐसे तो बहुत युग बीत जाता। तो कृष्ण ने सभी तीर्थों को बोला था कि रुके रहो, आगे काम आए। तो सब तीर्थ गए, राधा रानी को प्रार्थना किए कि हमें आपके कुंड में प्रवेश करने दो, और राधा रानी की कृपा प्राप्त करके सारे कुंड उसमें प्रवेश किए, उससे बना राधा कुंड। तो कृष्ण ने वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति राधा राधा कुंड को दिए, पूरे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ हमने क्या देखा? गोवर्धन। गोवर्धन में सबसे श्रेष्ठ है राधा कुंड और श्याम कुंड, और उसमें सबसे श्रेष्ठ है राधा कुंड। कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति राधा कुंड को देखता है, उसको पानी स्पर्श करता है, उसमें स्नान करता है, वही प्रेम जो कि राधा रानी को मेरे लिए है, वही प्रेम मैं उसे प्रदान करता हूँ, और वही राधा कुंड के पास गिरिराज जी का आदि। तो यहाँ पे हमारा टूर समाप्त होता है, हम लोग ये स्थलों को देखते देखते वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे गिरिराज को आरती हम लोग भाग लेंगे। उसके पश्चात
यमुना आरती वहाँ पर होगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ टूर करते हुए। एक घंटे का हमारा समय रहता है, इसलिए थोड़ा दौड़ भाग करना होता है, तो इसी प्रकार से किसी प्रकार की कोई गलती हो गई क्षमा चाहता हूँ। और आप सब लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग वृंदावन धाम इस गोवर्धन विलेज से भगवान के प्रति आपका जो प्रेम है वो आप यहाँ से बढ़े और आप भगवान का आश्रय लें। श्री वृंदावन धाम की जय, गोवर्धन की जय, हे कृष्ण।